हेलो स्टूडेंट, शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से क्लास टेंथ की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है रचनाएं एक्सरसाइज 14.1 पार्ट 4 के अंदर आज अपन आगे पढ़ेंगे दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पहले हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन जो है अपने 14.1 के 10 और 11 जो रह गए थे इसके क्वेश्चन उनको करेंगे अपन। उससे पहले अपन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या होती है और दो वर्तों की विभिन्न स्थितियों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, जब दो वर्त इस प्रकार हो जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं ना ही प्रतिच्छेद करते हैं, यानी अलग अलग स्थिति पर होते हैं, तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का मतलब एक ऐसी रेखा जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा का कार्य करे। तो आप इसमें देख रहे हैं एक स्पर्श रेखा मैंने खींची इसके अंदर, तो ये इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये इस वर्त की भी स्पर्श रेखा है और उसकी भी है। और इसमें देखो अपन नीचे की तरफ भी तो खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हुई दो, इसमें दो और खींची जा सकती है। इस तरीके से जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और ना ही स्पर्श करते हैं, अलग अलग दूरी पर स्थित होते हैं, तो चार स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इन चार स्पर्श रेखाओं के अंदर भी इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। जो स्पर्श रेखाएं एक ही तरफ होती है, जैसे C1 C2 को मिलाने पर जो रेखा आती है, तो ये जो ऊपर वाली स्पर्श रेखा है इसके ठीक ऊपर है यानी एक ही तरफ है, और नीचे वाली जो स्पर्श रेखा है ये भी एक ही तरफ है। तो ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा ये कहलाती है अनुस्पर्श। जो एक ही तरफ स्थित होती है अनुस्पर्श स्पर्श रेखाएं कहलाती है, और जो इस तरीके से आप कह सकते हैं तिरछी खींचते हैं उसको अपन कहते हैं तिर्यक। जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और ना ही स्पर्श करते हो, उस कंडीशन में चार स्पर्श रेखाएं होती है, दो होती है अनुस्पर्श जो एक की तरफ होती है, दो होती है इसके अंदर तिर्यक स्पर्श रेखा। सेकेंड देखें, इसके अंदर जब दो वर्त बाहर से स्पर्श करते हैं बाहे स्पर्श करते हैं, तो देखें इसके अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक ही तरफ है अनुस्पर्श रेखा है, ये भी अनुस्पर्श रेखा है, एक इसके अंदर आप यूं खींच सकते हैं यह तिर्यक स्पर्श रेखा, और ये दोनों थी आपकी एक ये और एक ये अनुस्पर्श
रेखा। तो जब दो अर्थ बाहें स्पर्श करते हैं तो उसके अंदर दो अनुस्पर्श रेखाएं और एक होती है तिर्यक स्पर्श रेखा। आगे देखें इसके अंदर जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं दो बिंदुओं का, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं एक स्पर्श रेखा आप ऐसे ले सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसे ले सकते हैं। ये भी अनुस्पर्श रेखा, ये भी अनुस्पर्श रेखा, दो अनुस्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है, जबकि इसमें तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती, क्योंकि जो आप स्पर्श रेखा इसमें बीच में खींचेंगे तो ये वर्त के अंदर से होकर गुजर जाएगी, तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो फिर छेदन रेखा हो जाएगी। तो इसके अंदर कोई तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं होती है, जबकि दो अनुस्पर्श रेखा खींच जा सकती है। नेक्स्ट देखें, जब दो वर्त इस प्रकार हो कि एक वर्त दूसरे को अंतर स्पर्श करता है, अंदर से स्पर्श करता है, तो इसके अंदर एक तिर्यक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनुस्पर्श रेखा इसमें नहीं आएगी, एक आएगी इसमें तिर्यक स्पर्श रेखा। लास्ट जब एक वर्त दूसरे के अंदर स्थित होता है स्पर्श नहीं करता है, एक वर्त दूसरे के अंदर होता है, तो फिर इसके अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती, शून्य, ना तो इसमें तिर्यक होती है ना ही अनुस्पर्श होती है। तो अभी अपन ने पढ़ा वेनिस स्पर्श रेखाओं के बारे में, जब दो वर्त दूर दूर स्थित होते हैं तब चार स्पर्श रेखाएं खींच सकती थी, दो अनुस्पर्श और दो तिर्यक। जब बाहर से स्पर्श किए थे वर्त तो हमने देखा दो स्पर्श रेखा अनुस्पर्श रेखाएं, एक बीच में हमने खींची थी तिर्यक स्पर्श रेखा। जब दो वर्त अलग अलग बिंदुओं पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तब इसके अंदर कोई तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं थी, जबकि दो अनुस्पर्श रेखाएं थी। जब वर्त बाहर से स्पर्श कर रहे थे तो एक स्पर्श रेखा आई थी तिर्यक, जबकि एक वर्त दूसरे के अंदर होता है तो कोई अनुस्पर्श रेखा नहीं होती उसकी। अगर आपसे पूछे कि स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए जब एक वर्त दूसरे के अंदर स्थित हो तो आप बताएंगे शून्य, क्योंकि इसके अंदर कोई अनुस्पर्श रेखा नहीं होती है। अब हमारे जो किताब के जो क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को किया। वेनिस स्पर्श रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने दो वर्तों की त्रिज्या दे रखी होगी और आपसे कहेगा कि इसके अंदर वेनिस स्पर्श रेखा खींचिए और या फिर वेनिस तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। तो अब अपन बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो बुक का क्वेश्चन नंबर 10 देखें, दो वर्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी और 4 सेमी हैं, जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी 8 सेमी है, दोनों वर्तों पर उभयनिष स्पर्श रेखाएं कितनी खींच जा सकती हैं, तथा उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, अनुस्पर्श रेखाएं खींचनी है या तिर्यक स्पर्श रेखा। इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा होगा लास्ट में लिखा था आपको अनुस्पर्श रेखा की बात करना है, और जो इससे जस्ट अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें आपसे वो तिर्यक स्पर्श रेखा की बात करेंगे। तो इसका तरीका और उसका तरीका लगभग सेम है, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा इसमें अंतर है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसका एक फिक्स प्रारूप और पैटर्न है। एक बार में इसके अंदर आपको फास्टली, एक बार में
कच्चा डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद अपन इसको अच्छी तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक रेखाखंड की लंबाई दे रखी होती है, तो सबसे पहले आप वो रेखाखंड खींच लेते हैं, चाहे वो त्रिक वाला हो चाहे वो अनुस्पर्श वाला हो, रेखाखंड की लंबाई दे रखी होगी आपको। तो आपको इसके अंदर 8 सेमी एक रेखाखंड दे रखा है, अर्थात केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो आपको बता रखी है 8 सेमी। दो वृत्त जो हमें बनाने के थे 3 सेमी और 4 सेमी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 8 सेमी। अब आपको इसमें कह रखा है कि आपको इस पे 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त बनाने हैं। तो वैसे तो अपनी इच्छा से आप किधर ही बना दो, फिर भी अपन 3 सेमी इधर बना रहे हैं, पहले संख्या 3 सेमी दे रखी थी, इसलिए 3 सेमी इधर और 4 सेमी हम उधर बना रहे हैं। तो प्रकार 3 सेमी का खोलेंगे और एक हम इस तरफ एक वृत्त बना देंगे, उस तरफ 4 सेमी का। ये 3 सेमी का है और ये 4 सेमी। अब इनके केंद्रों को नाम अपनी तरफ से दे सकते हैं, सेंटर के हिसाब से अगर अपन बात करें तो इसको C1 दे देते हैं। केंद्र को अपन इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, इसलिए इसको C से यानी C1, दूसरा वर्त है उसको अपन C2 दे देते हैं। OO' भी दे सकते थे, O1 O2 भी दे सकते थे, हमने C1 C2 दिया इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर एक फिक्स प्रारूप है, ये तो नॉर्मल था जैसा अपन कह रखा था कि दो वर्त बनाओ 3 सेमी 4 सेमी और केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेमी थी। तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है जो केंद्रों के बीच की दूरी आपको बता रखी है उस नाप का। तो C1 C2 हमने 8 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, फिर एक पर 3 सेमी का और दूसरे पे 4 सेमी का वृत्त बनाया। अब देखो इसके अंदर अनुस्पर्श रेखा या त्रिक स्पर्श रेखा के अंदर ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये प्रोसेस करने के बाद, ये तो दोनों में कॉमन है, उसमें भी सेम इसी तरीके का होगा, केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी होगी और आपको दोनों बिंदुओं पर त्रिज्या भी बता रखी होगी कि इस पर कितने सेमी त्रिज्या का बनाना और उस पर कितने सेमी का। अब देखो इसमें ध्यान अनुस्पर्श रेखा में ध्यान रखना होता है कि जो बड़ी त्रिज्या होती है, जैसे अगर मैं इसको कह दूं ये R1 है और ये है R2, जो बड़ी त्रिज्या होती है और जो छोटी त्रिज्या होती है उनका अंतर लेते हैं, अर्थात 4 - 3 एक सेमी। जो हम अनुस्पर्श रेखा खींचेंगे इसमें फिक्स है बड़ी त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को माइनस करना है, तो कितना आया 1। ये जो 1 आया है आपको क्या करना है, इस 1 सेमी का प्रकार खोलकर अंतर करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका आपको एक वृत्त बनाना है 1 सेमी त्रिज्या का। कहां बनाना है, C1 या C2। तो इसमें दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये और दूसरा ये, जो अंतर आएगा आपको क्या करना है, बड़े वृत्त के केंद्र से पहला तो ध्यान रखना है कि त्रिज्याओं का अंतर करना है। अगर बड़ी संख्या इधर है छोटी संख्या इधर है तो भी आपको बड़ी में से ही छोटी को घटाना है। जो अंतर आएगा उतना प्रकार खोलकर बड़े वृत्त के केंद्र से, तो बड़ा वृत्त कहां है, ये 4 सेमी का, उसका केंद्र क्या है, C2। तो प्रकार जब आप 1 सेमी का खोलेंगे, 1 सेमी का प्रकार खोलकर आप क्या करेंगे, C2 पे प्रकार रखकर 1 सेमी का प्रकार खोलकर इस तरीके से अंदर की तरफ प्रकार की सहायता से छोटा वृत्त बनाएंगे, ऐसी का बना रहा हूं इसके अंदर। और छोटे वर्त को आप चाहे तो गहरा बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डॉटेड बनाया है, और डॉटेड इसलिए बनाया ताकि हमें मुख्य वर्त और बाकी जो तो दूसरे वर्त बन रहे हैं उसमें अंतर पता चले, तो इसको हम डॉटेड बना सकते हैं, डॉट डॉट करता हुआ बनाएंगे। अब देखिए इसमें आगे प्रोसेस, अब क्या करना है आपको, C1 C2 जो केंद्रों के बीच की दूरी है उसका लंब समद्विभाजन करना है, लंब समद्विभाजन। तो पता ही आपको, आधे ज्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर की तरफ काटते हैं, एक नीचे की तरफ काटते हैं,
एक C2 से काटेंगे इस तरीके से, क्योंकि रेखाखंड 8 सेमी का था तो 8 का था 4 होता और ये वृत्त भी तो 4 का ही था, इसलिए इसको 4 सेमी वाले को स्पर्श करते हुए जाएगा। और वैसे अपन इतना ध्यान नहीं भी रखेंगे, समधि वजन सही करेंगे तो भी ये स्पर्श करते ही गुजरेंगे। अब क्या करना है, C1 C2 का जो लंब संधि वजन अपन ने किया है जहां प्रतिच्छेद करे उसको आप ओ नाम दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमने ओ नहीं दिया रखा है तो इसको ओ दे सकते हो, एम दे सकते हो, एन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं इसमें। अब क्या करना है, इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर प्रकार खोलना है आपको C1 या C2 जितना है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये दोनों दूरियां बराबर आएगी। यहां से लेकर यहां तक खोल ले या फिर यहां से लेकर यहां तक खोल ले, ओ पे प्रकार रखकर इतनी दूरी या ये, क्योंकि मध्य बिंदु होता है, आपको इस पे प्रकार रखकर एक और वृत्त बनाना है। ये भी रोटेट लिया है ताकि हमारे मुख्य वृत्त में जो सबसे पहले बनाए थे वो हमने सीधे बनाए थे, बाकी जो भी बन रहे हैं हम रोटेट बना रहे हैं। अब इसमें देखना क्या करना है अपन को, ये छोटे वाला जो वृत्त बनाया था और जो अभी ये वृत्त बनाया, दोनों रोटेड है, दोनों रोटेड वृत्त जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसको नाम देना है आपको पी, जरूरी नहीं है कोई भी दे सकते हैं लेकिन हम इसको पी दे रहे हैं। अब क्या करना है, इस पी को C2 से मिलाते हुए, स्केल की सहायता से C2 से मिलाते हुए इसको आगे तक बढ़ाना है, बड़े वर्त की परिधि तक, जहां ये काटेगा उसको अपन नाम दे देंगे क्यू, और इस पी बिंदु को C1 से भी मिलाना है। जब पी बिंदु को C1 से मिलाओगे तो C1 पी क्या है, इस छोटे वाले की स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये पी बिंदु वर्त की परिधि पर है और ये इस छोटे वाले को स्पर्श करते हुए आगे आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएंगे। तो C1P क्या है, छोटे वाले वर्त की जो अंदर की तरफ छोटा रोटेड वर्त बनाया था उसकी स्पर्श रेखा है। अब क्या करना है, प्रकार को C1 से P तक खोलना है, यानी इस दूरी को यहीं से डायग्राम से ही मापना है, प्रकार को C1 पे रखकर P जितना प्रकार खोल लेंगे और फिर ये प्रकार आपको हिलाना नहीं है, Q पे रखना है और एक इस तरफ चाप काटना है, इसको आप नाम दे सकते हैं R। जैसे ही आप R को Q से मिलाएंगे तो ये आपकी एक अनुस्पर्श रेखा बन जाएगी। इस क्वेश्चन में वैसे अपन से दो अनुस्पर्श रेखाएं पूछी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसकी संभावना ये है कि आपसे एक ही पूछेगा वो आपसे, तो अगर एक ही पूछता है तो आपको इतना डायग्राम बना के छोड़ना है, बस हो गया, कंप्लीट हो गया ये। लेकिन अगर दो पूछे तो फिर देखो क्या करना है, ये जैसे ऊपर की तरफ किया ना वही प्रोसेस नीचे की तरफ करो, ये वर्त मुख्य वर्त दोनों डॉटेड वर्त जहां प्रतिच्छेद कर रहे थे उसको क्या नाम दिया था पी, तो इधर भी तो कर रहा है यहाँ पे भी कर रहा है ये, तो इसको अपन दे सकते हैं P', उधर पी था इसको P'। फिर क्या किया था, C2 को पी से मिलाते हुए आगे बढ़ाया था, तो इसमें भी वही करना है। फिर इसको क्यू नाम दिया था, इसको अपन Q' दे सकते हैं। फिर क्या किया था अपन ने, पी को C1 से मिलाया था तो इसमें C1 को P' से मिला देंगे। फिर क्या किया था, इस दूरी को नापा था, वही दूरी आपको यहाँ पे नापनी है, वैसे दोनों बराबर होती है, चाहे इसको माप लो चाहे इसको। जैसे ही C1 को P' तक प्रकार खोलकर Q' पे यहां पर प्रकार रखकर इसके ऊपर चाप काटेंगे तो ये हो जाएगा R था, जगह दे दें R', R' को Q से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये दो अनुस्पर्श रेखाएं कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल ये हम कर सकते हैं। हाँ, अगर एक साथ अगर इसको बनावा डायग्राम देखते हैं और अगर हमने क्लास अटेंड नहीं कर रखी है तो हमें ये कठिन लगता है, लेकिन अगर हम इसको क्लास के अंदर ध्यान से समझते हैं और फिर हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं तो जरूर ये एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद हमें आने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चनों की अपेक्षा है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा ले रहा हूँ, था इसके अंदर दो वर्त 3 सेमी 4 सेमी के बनाइए और केंद्रों के बीच की दूरी अपन को दे रखी थी।
आठ संयम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आठ संयम का एक रेखाखंड खींचना है, इसको नाम दे रहे हैं सी वन, इसको सी टू। फिर तीन संयम चार संयम, तो इधर मैंने तीन संयम का वर्त बनाया था और उधर इससे बड़ा बनेगा चार संयम का। फिर क्या किया था, ये आपने मान लेते हैं बड़ी वाली त्रिज्या को आर वन कह देते हैं और ये है आपका आर टू, दोनों त्रिज्याओं का अंतर लेना है एक सेमी। ये एक सेमी का प्रकार खोलकर जो बड़े वाला वर्त बनाया था उसके अंदर, ध्यान देना इसमें नहीं, बड़े वाले वर्त के अंदर एक डॉटेड वर्त बनाया था मैंने, इसकी त्रिज्या कितनी है एक सेमी, जो अंतर आया था वो। इसी तरह भी आ सकता है, जैसे मान लो ये अगर पांच सेमी होता इधर तीन सेमी, तो पांच सेमी और इधर अगर तीन सेमी होता तो अंतर दो आता है, दो सेमी का प्रकार खोलकर बनाते हैं। तो यहाँ एक सेमी आ रहा है इसलिए एक सेमी का ही बनाएंगे, छोटा वर्त बनेगा ये। अब क्या किया था, सी वन सी टू का आधे सदा प्रकार खोलकर लंब संधि वजन किया था तुमने, जहां ये काटेगा उसको अपन ओ या एम कोई भी नाम दे सकते हैं, वैसे ये स्पर्श करेगा इसके अंदर चला गया क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, रफली ले रहा हूँ, इसलिए एम या ओ कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ दे देते हैं। ओ से सी वन या सी टू तक प्रकार खोलकर एक और रोटेड वर्त बनाते हैं, इस तरीके से। अब इसके अंदर दोनों रोटेड वर्ट, एक छोटे वाला और एक जो सबसे बड़ा भी अभी बनाया है, इसको अपन ने पी नाम दिया। इस पी को सी टू से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, सीधा बढ़ाना है, यहां जब ये काटेगा तो इसको क्यू नाम दिया था, पी को सी वन से मिलाया था। अब इस दूरी को नाप कर प्रकार को हिलाना नहीं है, क्यू पे रखकर चाप काटना है, इसको अपन नाम देते हैं आर। आर को जैसे आप इससे मिलाएंगे तो आपकी अनुस्पष्टता बन जाएगी, एग्जाम में आपसे हो सकता है एक ही पूछे तो इतना ही करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में दो थी इसलिए आपको ऊपर पी था तो ये नीचे वाले अपन पी डैश दे देते हैं, और सेम वही प्रोसेस नीचे की तरफ किया, इसको क्यू डैश दिया, इधर क्यू था क्यू डैश, फिर इधर इसको मिलाया था तो इसमें भी वही करना है, स्पष्ट रेखा आपको खींचनी है। फिर इस दूरी को नाप कर सी वन से पी तक यहाँ पर कर रखकर एक चाप काटा, इसको आर डैश, इस तरीके से एक आपकी आर क्यू और एक आर डैश क्यू डैश दो अनुस्पर्श रेखाएं इसमें प्राप्त हुई। तो अभी अपन ने पढ़ा अनुस्पर्श रेखाएं किस तरीके से खींची जाती है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था साथ में कि इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप देख सकते थे इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक तीन सेमी का था और चार सेमी का बीच की दूरी थी, इसके अंदर केंद्रों की आठ सेमी, तो दो वर्त जो थे स्टार्टिंग वाले थे वो ऐसे थे इसके अंदर इस तरीके से। तो आपको पता है ये वर्त, अभी अपन ने वेनिस स्पर्श रेखाओं के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब एक दूसरे को नहीं काटते हैं दूर दूर स्थित होते हैं तो वेनिस स्पर्श रेखाओं की संख्या चार होती है। तो अगर आपसे इसमें पूछी गई है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो पहले उस प्रश्न का आंसर जो होगा चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, और ये डायग्राम आपको बनाना है। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1.7 सेमी और 2.8 सेमी की है, एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। इस क्वेश्चन में हमें तिर्यक स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। रचना कीजिए जबकि दोनों के केंद्र एक दूसरे से 6 सेमी दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी थी तो हमने सी वन सी टू एक रेखाखंड खींचा 6 सेमी का। अब आपको इसमें त्रिज्या दे रखी है एक पर 1.7 सेमी, तो 1.7 सेमी का प्रकार खोलकर यहाँ पे आपको एक वक्त बनाना है, एक आपको बनाना है 2.8 का। ये था 1.7 सेमी का और ये है 2.8 सेमी का, ये त्रिज्या आपको दे रखी। अब आपको इसमें यहां तक तो दोनों में कॉमन था अनुस्पर्श रेखा में भी सेम यही था, रेखाखंड खींच कर दो वर्त बनाने थे। अब इसमें तीसरा पॉइंट इसमें चेंज है, उसमें आपको बड़े वाली त्रिज्या को अपने आर वन कहा था, छोटे वाले को आर टू कहा था, उसमें अंतर करते थे, लेकिन इसके अंदर त्रिक जब खींचने के लिए कहेगा तब आपको योग करना है, ये नोट करने वाली बात है ध्यान देना।
अगर यहाँ अंतर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आर वन प्लस आर टू करना है, जो त्रिज्या आपको दे रखी है उसको जोड़ना है। तो 1.7 और 2.8 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 8 और 7 5 आ जाएगा, 15 का 2 4 4.5 सेमी। जबकि उसमें अंतर करते थे, बड़े वृत्त में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को माइनस करते थे, इसमें योग करना है। ये फिक्स इसका प्रारूप पैटर्न है, किताब के अंदर हमें ये दिया गया है, इसको याद रखना होता है। दूसरा पॉइंट, 4.5 सेमी का पहले वृत्त बना लेते हैं। अब ये वृत्त बनाना कहां है ये ध्यान देना है। उसमें अंतर करने के बाद जो बड़े वाला वृत्त था उसके अंदर बनाते थे, इसमें योग करने के बाद जो आया है आपका 4.5 प्रकार इतना खोलने के बाद छोटे वाले वृत्त पे बनाना है। जबकि उसके अंदर आप अंतर करने के बाद बड़े वृत्त के अंदर की तरफ बनाते थे छोटा वृत्त, इसमें जब आपका ये योग करेंगे तो जो छोटे वाला वृत्त है, यानी कि छोटे वाला वृत्त यानी जिसकी त्रिज्या छोटी है 1.7 है वहां पर, तो 4.5 सेमी का प्रकार खोल कर आपको एक डॉटेड वृत्त बनाना है छोटे वाले वृत्त के ऊपर। प्रकार का रखना C1 पे, इसको मिटा देता हूं। ध्यान देना इसके अंदर जो अपना योगफल आया है उतना प्रकार खोलकर जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है उस वाले जो केंद्र है वहां पर प्रकार रखकर आपको ये बनाना है, जिसकी त्रिज्या आपको योगफल करने पर प्राप्त हुई थी 4.5 सेमी। अब आगे वाला प्रोसेस उसकी तरह ही है। क्या किया था, लमसम विभाजन किया था हमने C1 है। फिर हमने क्या किया था, C1 का लमसम विभाजन किया था, आधे ज्यादा प्रकार खोल कर हम क्या करेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से जहां पे भी C1 को काटेगा उसको अपन ने O नाम दिया था, इसमें भी O दे देते हैं। अब अपने क्या किया था, O को केंद्र मानकर C1 या C2 जितना प्रकार खोला था, तो O पे प्रकार रखकर C1 या C2 जितना प्रकार खोलकर एक और डॉटेड वर्ड बनाना है आपको, जो C1 कर वो कर गुजरेगा। ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो उसमें भी था, बस इसमें अंतर था उसमें बड़े वाले वृत्त के अंदर की तरफ अंतर जो आया था उसका वृत्त बनाया था, और इसमें योग जो आया है वो छोटे वाले वृत्त के केंद्र से बाहर की तरफ बनाया है। अब इसमें आगे का जो प्रोसेस है वो भी लगभग सेम ही है। हमने उसमें जहां दोनों रोटेड वृत्त काटे थे उसको क्या नाम दिया था, पी। तो इसमें भी आप देखो रोटेड वृत्त, एक तो ये रहा रोटेड वृत्त, एक अभी अभी पीछे वाला, तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये, यहां पर। इसको अपन ने उसमें भी पी दिया था, तो इसमें भी याद रखने में आसानी रहती है, इसमें भी पी दे देते हैं इसको भी। फिर आपको पता होगा हमने क्या किया था, पी को सेंटर से मिलाया था, कौन से सेंटर से मिलाना है, जहां अपने डबल वर्त बनते हैं एक ही केंद्र से जहां दो वर्त बनते हैं, उसमें भी अपने दो वर्त मिले थे तभी वहीं पे लिया था। तो पी को डबल वर्त C1 से बने हुए एक छोटा वर्त और एक अपन ने जो 4.5 कर लिया था, पी को C1 से मिलाना है। तो उसमें क्या था, जैसे पी को C1 से मिलाकर आगे बढ़ाना पड़ा था, तो इसमें तो आगे बढ़ाना नहीं है क्योंकि उसमें तो मुख्य वर्त को काटना चाहिए था इसलिए आगे बढ़ाया था। इसमें जैसे ही आप C1 को P से मिलाते हैं तो ये जो छोटे वाला वर्त था वो अपने आप ही प्रतिच्छेद हो जाएगा क्योंकि ये तो छोटा था अंदर की तरफ आ रहा था। तो आपको इसको Q नाम देना है, इस बार आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। C1 को P से मिलाएंगे तो ये छोटे वाले वर्त को जहां काटेगा यहां नहीं देना है, ये जो C1 P जो वर्त काट रहा है यहां पे देना है, कहीं यहां ले लेते हैं फिर गलत हो जाता है, यहां लेना है। अब इसमें आगे अपन ने क्या किया था, पी को दूसरे वाले वर्त के केंद्र से मिलाकर एक स्पर्श रेखा खींची थी डॉटेड वर्त की, तो इसमें भी पी को जब आप इससे मिलाओगे तो ये बड़े वाला जो डॉटेड वर्त है उसकी स्पर्श रेखा आएगी। क्या किया था हमने, इसको प्रकार की सहायता से माप लेते हैं, प्रकार पी पे रखकर प्रकार C2 तक खोल लेंगे, और फिर क्यू पे प्रकार रखकर इस तरफ चाप काट हो गया क्योंकि तिरेक स्पर्श रेखा खींचनी है, उसकी इस दिशा में क्यू पे प्रकार रखकर ये दूरी नापने के बाद आपको चाप काटना है। अब आप उसको नाम दे सकते हैं आर, और इस क्यू को इससे मिलाओगे तो इस तरीके से अंदर की तरफ नहीं जाएगी, थोड़ा रफ है तो हो सकता है थोड़ी अंदर जा रही, अंदर की तरफ नहीं जाएगी बाहर ही जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये तिरेक स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी, और इसमें एक ही पूछ रखी है इसलिए अपन को एक ही
खींचना। तो लगभग वैसा ही प्रोसेस था। स्टार्टिंग में बस इतना ध्यान रखा है कि इसके अंदर त्रिज्याओं का योग करते हैं और छोटे वाले वर्ग के ऊपर बनाते हैं, बाकी लगभग सेम प्रोसेस था। उसमें पी पहले आ जाता था, इसमें पी बाहर की तरफ आता है, उसमें क्यू बाहर आता था, इसमें क्यू अंदर की तरफ आता है, उसमें भी पी को अपने दूसरे वर्ग के केंद्र से मिलाया था, इसमें भी मिलाया, इस दूरी को मापा था, इसमें भी मापा। पी से सी टू तक प्रकार खोलने के बाद प्रकार को आपको कहाँ रखना है, पी पे, और चित्र से ही आपको इसको खोलते हुए कहाँ तक ले जाना है, आपको सी टू तक, और जितना प्रकार आपने खोला है वो आपको इस तरफ इसके ऊपर चाप काट कर जहाँ आ रहेगा उसको मिलाना है। इस तरीके से आपकी ये त्रिक स्पर्शिका प्राप्त हो जाएगी और हमारा जो टॉपिक है रचनाओं के अंदर एक्सरसाइज 14.1 आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 14.2 स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इजी और छोटा सा टॉपिक है, तो एक ही वीडियो के अंदर अपना वो 14.2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन उसको।